शुरुआत में ब्रह्मांड में सिर्फ प्रिमोर्डियल गैस थी। किसी तरह इसका कुछ हिस्सा सुपरमैसिव ब्लैक होल SMBHS में समा गया, जो आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित गार्गेंटुअन सिंगुलैरिटीज है। यह कैसे हुआ और SMBHS ने कैसे द्रव्यमान जमा किया, इसका विवरण एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े सवालों में से एक है। ब्लैक होल साइंस ने 2019 में एक बड़ा कदम उठाया जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली इमेज कैप्चर की। वह सुपरमासिव ब्लैक होल्स मेसियर 87 में था, जो पृथ्वी से 50 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक सुपरजाइंट अंडाकार आकाशगंगा है। लेकिन इसने हमारे लंबे समय से चले आ रहे सवालों का जवाब नहीं दिया कि ये ऑब्जेक्ट्स इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। वैज्ञानिकों को पता है कि सुपरमासिव ब्लैक होल्स की वृद्धि को दो मुख्य प्रक्रियाएं नियंत्रित करती हैं, जिसमें वे अपने मेजबान गैलेक्सी से ठंडी गैस को एकत्रित करते हैं और गैलेक्सी कोलिजन्स के दौरान विलीन हो जाते हैं। लेकिन कुछ रहस्यमय अनुत्तरित प्रश्न हैं। उनमें से एक उनकी उत्पत्ति से संबंधित है। हम सुपरमासिव ब्लैक होल्स को पदार्थ एकत्रित करते हुए देख सकते हैं, लेकिन जिस गति से वे द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, वह वास्तव में उनके आकार की व्याख्या नहीं कर सकता है। उनमें से कुछ सूर्य से अरबों गुना अधिक भारी हैं। क्या ब्रह्मांड के शुरुआती युगों में सुपरमासिव ब्लैक होल्स में किसी प्रकार की वृद्धि हुई थी